चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेज, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी मूल रोड चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। 21 दिवसीय अन्य त्याग विरोध प्रदर्शन कर रविंद्र टोंगे ओबीसी समुदाय के प्रतीक बन गए हैं। वे आरक्षण बचाने के लिए फिर से आंदोलन की तैयारी में हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ऐसे प्रतीक घर घर में बनने लगे हैं। इन सभी में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई है, इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के महासचिव सचिन राजूरकर ने कड़ा रुख व्यक्त किया कि सरकार को किसी भी परिस्थिति में मराठा समुदाय को ओबीसी श्रेणी से आरक्षण नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि ओबीसी समुदाय को इस हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ओबीसी संगठन सर्व जातीय संगठन की ओर से ओबीसी योद्धा रविंद्र टोंगे ने बुधवार शाम को वैंडली गांव से ओबीसी जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्घाटन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के क्षेत्रीय कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश चोखरे ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में ऋषभ राउत और ओबीसी योद्धा रविंद्र टोंगे, डॉक्टर संजय घाटे, प्रेमानंद जोगी, अनिल ढाके, डॉक्टर दिलीप कामले आदि उपस्थित थे। राजूरकर ने ओबीसी की मांगों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधा सेमेस्टर बीत जाने के बाद भी हर जिले में ओबीसी छात्रों के लिए लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास नहीं खोले गए। हॉस्टलों में नहीं तो कम से कम आधार योजना लागू कर ओबीसी छात्रों को राहत देना जरूरी था। सरकार हर काम में देरी की नीति अपना रही है। महाराष्ट्र सरकार को बिहार की तर्ज पर जातिवार सर्वेक्षण करना चाहिए। उन्होंने ये भी राय दी है कि इससे ओबीसी और सरकार को सही स्थिति का पता चल जाएगा। ऋषभ राउत ने कहा कि ये सभी का कर्तव्य है कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हों और आरक्षण को बचाएं। काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्ध शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमचा वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर लहंगा आणि लेडीज वेअर चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, आझाद गार्डन जवळ, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर। नेशनल पीपल्स पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अब्दुल रशीद सरकार ने दिनांक 2 नवंबर 2023 को नेशनल पीपल्स पार्टी की कार्यकारिणी को आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मंजूरी से महाराष्ट्र अध्यक्ष ने महाराष्ट्र कार्यकारिणी भंग कर दी है। अब महाराष्ट्र में सिर्फ नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए कार्य करेंगे। अगली कार्यकारिणी जल्दी स्थापित की जाएगी, जिसमें पूरे महाराष्ट्र कार्यकारिणी पदाधिकारी को लिया जाएगा, जिसमें सभी धर्म जाति के लोग मिलकर कार्य करेंगे। महाराष्ट्र कार्यकारिणी किसी कारणवश भंग की गई है। भंग कार्यकारिणी में महाराष्ट्र राज्य के सभी सेल, जिला कार्यकारिणी, प्रभाग कार्यकारिणी इत्यादि शामिल है। अब नई कार्यकारिणी नए तरीके से सभी के साथ सभी के मत से बनाई जाएगी। ये घोषणा नेशनल पीपल्स पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल रशीद सरकार इन्होंने दिनांक 2 नवंबर 2023 को एक पत्रकार परिषद में कही है। अपना परिचय दीजिए। मैं अब्दुल रशीद सरकार, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, नेशनल पीपल्स पार्टी। एनपीपी की क्या भूमिका रहेगी चुनाव में? कहाँ, महाराष्ट्र में? क्या महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में एनपीपी जो है वो गठबंधन में है इसके एनडीए के, एनडीए के साथ में लड़ेगी। एनडीए के साथ में अभी हमारा 20 सीट हमको देने का वादा किया है उन्होंने कॉरपोरेशन में,
और अभी इसके विधानसभा के बारे में चल रहा है कि भी कितनी सीट देना है, लेना है, विधानसभा के बारे में चल रहा है। अगर आप यहाँ पे अगर आपके जो चुनावी एजेंडा क्या रहेगा? चुनावी एजेंडा ये रोज़गार है, सब्सिडी है, जो सबका जो एनडीए का चुनावी एजेंडा है वही हमारा है। महाराष्ट्र में अभी चुनाव होंगे जी, तो क्या कितने सीटें आप एनडीए को मांगने वाले हैं? हम तो मांग रहे साहब 20 सीट, लेकिन उतना देना नहीं है उन्होंने एनडीए ने, वो 6 सीट पे ऐसा कुछ तो भी चल रहा है उनका, 20 सीट हम मांग रहे हैं। हमने यहाँ पे अभी कॉरपोरेशन के अंदर में जो है 35 सीट मांगे थे, 20 सीट पे अभी तय हुआ है। अभी चुनाव भी आएंगे और अपने कार्यकर्ता बर्खास्त किए, क्या कारण है बर्खास्त करने का? बर्खास्त करने का कारण जो है साहब कि सिर्फ वही है कि जिन्हें कई लोग इसमें से कुछ मर गए हैं, कुछ पार्टी छोड़कर चले गए हैं, हमको कार्यकारिणी को मजबूत करना है, इसलिए नए लोगों को लाकर अभी कार्यकारिणी बनाना है। कब तक नई कार्यकारिणी गठित? 15 दिन में हो जाएगी इंशाल्लाह। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलिशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186, 9322899635। शहर के कलमना और लड़कगंज इलाके में चल रहे क्रिकेट सट्टा अड्डे पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर 3 क्रिकेट बुकियों को गिरफ्तार किया। 2 फरार क्रिकेट बुकियों की तलाश की जा रही है। कलमना से 2 क्रिकेट बुकी और लड़कगंज से 1 बुकी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार क्रिकेट बुकियों से 1,23,000 रुपए का माल जब्त किया गया। ये कार्रवाई अपराध शाखा पुलिस विभाग की यूनिट 3 ने की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत 1 नवम्बर को अपराध शाखा पुलिस विभाग की यूनिट 3 के हवलदार संतोष ठाकुर को गुप्त सूचना मिली कि अरशद प्लास्टिक प्लॉट नंबर 43 रिलायंस को हाउसिंग सोसाइटी वांजरा कलमना में कुछ क्रिकेट बुकी सट्टेबाजी कर रहे हैं, जहां पर प्लास्टिक का बंद कारखाना है। दस्ते ने घटनास्थल पर छापेमारी की। इस दौरान दस्ते को क्रिकेट बुकी अशफाक अंसारी, एहसान उल्लाह अंसारी मरकज के पास अंसार नगर मोमिनपुरा तहसील नागपुर और जावेद खान यूसुफ खान जामा मस्जिद के पीछे मोमिनपुरा नागपुर निवासी क्रिकेट मैच की सट्टेबाजी करते मिले। दोनों क्रिकेट बुकी क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी कर रहे थे। दोनों क्रिकेट बुकियों को दस्ते ने दबोच लिया। कल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका एक क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच, एक मैच था कल, उसके बारे में जानकारी खाईवाड़ी करते हुए मतलब क्रिकेट बेटिंग के एक कलमना पुलिस थाने में एक कार्रवाई करके 1,51,405 रुपये का मुद्देमाल हमारे यूनिट 3 के PSI काठोगे साहब और उनकी टीम ने जब्त किया है। और लकड़गंज पुलिस थाने में हमारे यूनिट 3 के PSI पते साहब और उनके टीम ने एक आरोपी जगदीश अलाइज जग्गू दिलीप वागदारे और एक इनको पकड़ के 17,610 रुपये का मुद्देमाल जब्त करके पुलिस थाना लकड़गंज के ताबे में दिया है। आगे जो लकड़गंज का है उसमें जगदीश दिलीप वागदारे और राहुल डहाके ऐसे 2 आरोपी है और मुद्देमाल 17,610 रुपये का। और दूसरी जो कार्रवाई है कलमना की उसमें अशफाक अंसारी, एहसान उल्लाह अंसारी और 2 उनके साथ में आरोपी है और मुद्देमाल उसमें 1,51,405 रुपये का। उनके बारे में और जानकारी निकालना चालू है और भी आगे जो भी मैचेस है उसके ऊपर हम सतर्कता बरतते हुए अगर कुछ भी अनुचित प्रकार है तो हम आगे के लिए कार्रवाई जारी रहेंगे। कांचास फास्ट फूड, मोस्ट फेमस एंड बेस्ट चाइनीज फास्ट फूड सेंटर ऑफ चंद्रपुर। बेस्ट स्टेज, आउटडोर एंड इंडोर सिटिंग अरेंजमेंट, बेस्ट सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स। वी ऑफर वेज मंचूरियन, पनीर मंचूरियन, वेज चिली, चिली चना, चिली पनीर, वेज नूडल्स, हाका नूडल्स,
शेजवान नूडल्स, कॉकटेल राइस, पनीर राइस, शेजवान राइस, फ्राइड राइस, अवेलेबल फॉर होम डिलीवरी, मैरिजेस एंड ऑल अदर पार्टीज। कांचास फास्ट फूड, अपोजिट गवर्नमेंट ITI, नियर वरोरा नाका, सिविल लाइन्स, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 7722008812।